or if it is an entity then its director promoters and entire management will be held responsible or will be held or will be treated as willful defaulters <coughs> so now what is a large defaulter anyone who is who is not paying the loan dues above one crore or the original loan outstanding above one crore इज ए लार्ज डिफॉल्टर विलफुल डिफॉल्टर विलफुल आप बोलेंगे सर 25 लाख के ऊपर का लोन लिया है शायद उसके पास पैसा नहीं होगा पे नहीं कर रहा है ठीक है पे नहीं कर पा रहा है गेटिंग गेटिंग पॉइंट पॉइंट अगर 25 लाख का ऊपर का लोन लिया है ना देन ही हैज द रिसोर्सेस मीन टू पे नॉट पेइंग इज नॉट पेइंग इट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस बिकॉज इज कंपनी हैज गॉन देन ही इज एल विलफुल डिफॉल्टर इंपोर्टेंट है एग्जाम में आएगा ठीक है तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए प्रोवाइड ए पर्सनल हियरिंग बिफोर क्लासिफाइंग यू आज ए विलफुल डिफॉल्टर जो आपका एनपीए है पच्चीस लाख का ऊपर का लोन थ्रेस होल्ड आपके पास आ चुका है अब ऐसे ही आप उसको विफुल डिफॉल्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का एक पिटीशन को खारिज करते हुए बोला दो साल पहले कि भाई आप जब किसी को विलफुल करते हो आरबीआई का क्या गाइडलाइंस है इंटरनेट में तो आदमी तो बहुत बदनाम हो रहा है जब कोई बदनाम हो रहा है आप उसका इज्जत उछाल रहे हैं मार्केट में तो कम से कम एक मौका तो दीजिए अपना बात रखने के लिए नहीं ऐसे ही आप उसको थोड़ी सी थो, थोड़ी बे इज्जत करेंगे पहले एक बार उसको मौका दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है तो 25 लाख का लोन दू या फिर एक करोड़ का ऊपर का लोन दू विलफुल और लार्ज डिफॉल्टर आप पहले दिमाग में डिसाइड कर लिया इसको विलफुल डिफॉल्टर बनाना है पहले एक शो का नोटिस भेजिए और बोलिए कि आइए हमारे कमेटी के सामने रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपको क्यों विलफुल डिफॉल्टर हम ना बोले आप पैसा भी नहीं दे रहे हैं रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं और हम आपको कैटेगोराइज करने जा रहे हैं विलफुल डिफॉल्टर टेल अस व्हाई वी शुड नॉट सुटेगोराइज यू एज ए विलफुल डिफॉल्टर अगर वो आकर अपना पक्ष रखता है अपना पॉइंट्स रखता है तो ओके इफ यू आर हैप्पी पैसा आ रहा है रिकवरी होगा ओके नहीं कर पाएगा बोलेगा कि सर रिस्ट्रक्चर कर दीजिए बहुत अलग बात है बार एंड एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी बार ऑन एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी मान लीजिए कोई विलफुलिफॉल्टर है बोर्ड डायरेक्टर है एबीसी लिमिटेड में तो एबीसी लिमिटेड को भी विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा गॉट माई पॉइंट और जब उसने पैसा दे दिया नाउ

फ्रॉम द लेंडर हम तो नहीं देंगे कोई अगला भी पांच साल तक इनको नहीं देगा जिस दिन उनको रिमूव किया उससे नेक्स्ट पांच साल तक और कोई एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी भी एक साल तक उनको नहीं मिलेगा मतलब उसी बैंक से एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी एक साल तक नहीं मिलेगा या फिर टॉपअप ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ये मंथली रिपोर्टिंग होगा लार्ज एंड विलफुल डिफॉल्टर को ठीक है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स रिक्वायर्स फुल पेमेंट बिफोर द द रिमूवल फ्रॉम डिफॉल्टर लिस्ट ओके मॉनिटरिंग एंड यूज ऑफ फंड्स पैसा लेकर आ रहा है वो देखना होता है स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स एंड थर्ड पार्टीज अकाउंटेबिलिटी पिक्स होगा गारंटर्स आर इक्वली लायबल एंड कैन बी क्लासिफाइड एज विल फुल डिफॉल्टर ठीक है आरबीआई गाइडलाइंस ऑन डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड फॉर की अपडेट्स डिडेंट कैन ओनली बी पेड फ्रॉम द नेट प्रोफिट ऑफ द करेंट इयर आफ्टर मेकिंग स्टैच्यूटरी प्रोविजन एंड कवरिंग एक्ुमिलटेड लॉसेस ठीक है तो so, एक चीज ध्यान रखीजिए एक डिविडेंट इक्वेलाइजेशन फंड होगा यूसीबी तभी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या फिर शेयर ऑन प्रॉफिट दे सकता है जब उसका नेट प्रॉफ़िट होगा और सारे जितने पिछले सालों का एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको मेकअप कर लेगा मान लीजिए इस बार मैंने सौ करोड़ प्रॉफिट किया एजे यू मैं तभी शेयर डिविडेंड बांटूंगा अपने शेयर होल्डर्स को जब मेरे लास्ट ईयर्स के जितने सारे लॉसेस थे मान लीजिए मैं पहले से प्रॉफिट करता आ रहा था मगर लास्ट ईयर मेरा दो सौ करोड़ का लॉस है इस बार मैं सौ करोड़ का प्रॉफिट भी करूंगा तब भी मैं नहीं दे पाऊंगा नेक्स्ट ईयर अगर मैं तीन सौ करोड़ का प्रॉफिट करूंगा इस साल का सौ करोड़ को छोड़ दूंगा नेक्स्ट ईयर का सौ करोड़ को छोड़ के बाकी दो सौ करोड़ के ऊपर मैं दे पाऊंगा दे पाऊंगा डिविडेंड ये नियम है इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक प्रमोशन एग्जाम बीट स्केल वन टू स्केल सिक्स वी हैव ए डेडिकेटेड कोर्स फॉर यू For State Bank of India to Reserve Bank of India, from IDBI Bank to Punjab and Sin Bank, from BOB to PNB, our comprehensive bank promotion exam course covers all aspects of bank promotions. Inside the course, where we have general banking professional banking rbi circulars Economy, credit risk forex and nowadays they are asking additional content like companies act other acts etc so that is also covered inside our course here and this is prepared as per the new syllabus of bank promotion exam where they ask few questions from marketing hr as well based on your exam pattern based on previous year pattern the courseware is designed for higher grades Deeper study materials are also provided up to scale 6 level. Also, we have RBI Circular Gist and Monthly Banking to aid you in your preparation. In promotion batch, it is completely free and additional batch is also given to you. There is a all-banking certification course for JIAB, CCP, MSME, Forex, etc and the course covers all specialized field like credit risk treasury forex retail banking finance account trade finance audit it hr corporate governance reasoning and in some of the banks they are nowadays asking questions related to reasoning and banking do join our telegram channel we are now celebrating 10000 plus success stories at knowledgeist so you are watching this class at our additional channel, bank promotion and jiib by knowledgeist You can also stay connected with our main channel with 1 lakh plus subscribers. Dedicated internal batches classes are available uh, in internal batches. We are conducting live classes post 9 o'clock for the benefit of our working professionals. So, see you in the internal classes. <laughs>